अमर उजाला डिजिटल का रंत रविवार कार्यक्रम में मैं विजयलक्ष्मी। इस बार खबर की शुरुआत आपका क्षेत्र की एक रोचक घटना से करता है। दरअसल हुए यूं कि एक नेपाली मजदूर बुखार से पीड़ित थे और जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचे। वैन डॉक्टर साहब ने बताया कि पैथे बुखार से डॉक्टर साहब ने भी परीक्षण करी और वह पर्चा पर लिख देने की दवे बद्रीनाथ हटी मिला है। मजदूर ने भी आओ दिखी न ताओ दिखी और बस पर बैठ के बद्रीनाथ धाम पहुंचे। जब धाम पहुंचे फिर वैन पूछे कि भाई ये दवे कख मिला ली। फिर वह लोगों ने बताई ये लाटा बद्रीनाथ माँ ये दवे नहीं मिलनी थी। बद्रीनाथ तो दवे की दुकान को नाम छे तो इन वक्त ही गोपेश्वर माँ मिलनी थे। वे के बाद मजदूर भी चार बस पर बैठ के वापस आए और 210 किलोमीटर की दूरी वह तय करनी पड़ी। वन तो सरकार बोलने छ कि सारी दवे हमारा अस्पताल में मुफ्त मिलने छ, लेकिन जरा बुखारा की दवे का कादर भी अगर वो तय बहरी जान पड़ रो तो फिर मुफ्त क्या रह गए। आप लोग भी अब डॉक्टर साहब मुख जावा दवे लिखवाला तो लेकिन यू जरूर पूछे कि ये दवे कख मिला ली, भैर मिला ली या अस्पताल में ही मिला। हर साल की तरह अमर उजाला ने ई बार भी उत्तराखंड बोर्ड का मेधावी बच्चों से सम्मानित करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 96 बच्चों से यू सम्मान देनी और श्रेष्ठा सूची का 6 बच्चों से लैपटॉप और टैब देनी। मेधावी बच्चों के खातिर एक और खुशखबरी, ई बार सरकार ने हर ब्लॉक से 10-10 बच्चों से पूरे देश भ्रमण की योजना बनाई। पहाड़ की बेटी वाली बीजान किसान होंगी यो तो यह बात तो सब तीन पता छा। अब टाटा समूह ने भी यख की नौनियों तय अपनी कंपनी में रोजगार देने को मन बनाए छ। वे खाता टाटा समूह ने राज्य सरकार तक चिट्ठी भी लिखी कि यख के 10वीं 12वीं और ITI करी 4000 नौनियों तय वो अपना समूह में नौकरी दे लो। ये से जाकर हमारे यख की बेटियाँ रोजगार संपन्न होली वो कि आत्मनिर्भर होना का साथ साथ वो आर्थिक रूप से भी मजबूत होली। सिरक्यारा टनल की घटना तो आप सब तय पता होली। वह भूस्खलन होने की वजह से 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे। यह दोबारा गलती न हो ये कारण आप जो भूस्खलन वाला क्षेत्र था वह होंगे अब दूसरी टनल बनाए जाएं ताकि भविष्य में कभी एक टनल बंद होगी तो दूसरे टनल बेटी आवाजाही शुरू हो सका। और ये की शुरुआत होनी चाहिए यमुनोत्री हाईवे पर डबरकोट जो ओजरी मोटर मार्ग छ वो हमेशा भूस्खलन होने की वजह से वो बंद हो जाओ तो ये समस्या से छुटकारा मिलो। 31 जुलाई की रात को केदारनाथ से गौरीकुंड तक वेदर बाटू जगह जगह टूटी गई थी। जय वास्ता यात्रा बंद हो गई थी। वे के बाद लोक निर्माण विभाग के 270 मजदूरों रात दिन की कड़ी मेहनत से रास्ता खोली और 25 दिन के बाद हमारी केदारनाथ यात्रा शुरू हुई और जगह जगह से जो यात्री जाना था उन तक बाबा का दर्शन करने को मिले। उत्तरकाशी को वर्णावर पर्वत एक बार फिर से लोगों तक डरोने लगे। 2003 में भी वर्णावर भी भारी भूस्खलन हुए थे जैसे 80 मकान सहित कई होटल भी जमींदोज हुए थे। अब ये ई बार फिर से वक्त बेटी भूस्खलन होना चाहिए। हालांकि प्रशासन ने जो खतरा का जद में आना छ लोग उनके सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करेगी, लेकिन लगातार पत्थर होने की वजह से अभी भी कई लोग खतरा में रहना चाहिए। हालांकि वह की जाँच भी शुरू होगी और अब तक पर्वतन सचिव भी वक्त पहुंचे और उन भी प्रशासन तय तत्काल प्रभाव से जो लोग जथिया भी लोग तय हिरा दायरा में आना चाह उन तय शिफ्ट करने की बात हुई। फर्जी रजिस्ट्री घोटाला मामला में ED ने देश भर का 5 राज्यों में छापा मारी जय माँ उत्तराखंड का देहरादून में भी छापा मारे गए। देहरादून में 2 बिल्डर तय हिरासत में लिए गए उनसे पूछताछ होनी छ। दरअसल ये मामला 2 साल पहले जन सुनवाई के दौरान प्रकाश में आए थे। तब सब तय पता चल थे कि यह भी कोई घोटाला हुए थे। ये दौरान 20 लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए। उन तो जन्माष्टमी पूरा राज्य भर में मनाए गए लेकिन हमारे 4 गांवों में खासी रौनक रही। गंगोत्री धामा जब पूरी रात रासों तांद हुए वह बद्रीनाथ में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूरी रात पूजा हुई और कपाट खुला गया। दूसरा दिन रावल ने भगवान की पूजा अर्चना करी और पूरा परिसर में बाल रूप की झांकी निकाली गई। देश भर का 12 राज्यों में औद्योगिक शहर बनना छ। वह माँ उत्तराखंड का ऊधम सिंह नगर का खुरपिया माँ भी औद्योगिक शहर बनना छ। औद्योगिक शहर बनने से यख का नौजवान थे रोजगार मिलल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि औद्योगिक शहर बनने से राज्य का 75,000 नौजवानों थे रोजगार मिलल। रूड़ी की माँ एक युवक अपनी बाइक पर मांस लेके जाणो थे लेकिन वह तय पता चले कि पुलिस होने और वह डर का मारा तालाब में छलांग मार दी जैसी वे की मौत हुई।
यह दौरान वे का रिश्तेदार से लेकर परिजन सारे लोग घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाए कि पुलिस ने वे के साथ मारपीट करी। अब मारपीट हुए नहीं हुए ये तो जांच को विषय छ, लेकिन पुलिस ने हंगामा करने वाला वे का रिश्तेदारों पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। अब राज्य में आने वाला या राज्य में रहने वाले लोग अपनी प्लास्टिक की बोतल इन्हें उन्हें फेंकने की जरूरत नहीं। राज्य सरकार ने एक योजना बनाई इससे निपटने के खातिर। अब हर बोतल पर एक QR कोड लगा लो, जो QR कोड दिखेगा आपते प्लास्टिक की बोतल का बदला नगद पुरस्कार मिला। एक तो प्लास्टिक बोतल भी जगह जगह नहीं पड़ ली और दूसरों आपते इनाम को इनाम मिला। दगड़ियों, रंत रविवार की पहली कड़ी ते आपको भरपूर प्रेम और आशीर्वाद मिले। अगने भी ये नहीं बने रखे और ये कार्यक्रम और बेहतर बनाने का आप सुझाव जरूर दिया है। और अगली बार अगला हफ्ता और खट्टी मीठी और कुछ रोचक खबरों का साथ रंत रविवार में फिर से मुलाकात होली। तब तक ते नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।